दोस्तों ये बिल्ली ना 5-6 साल से हमारे वहाँ आती है, बच्चे पता नहीं कहाँ देती, वो पता नहीं चलता, लेकिन बच्चे भी आने आते हैं इधर, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर दाएँ बाएँ चले जाते हैं, लेकिन ये बिल्ली कंटिन्यू हमारे साथ आती है। अभी इसका एक बच्चा आता है और ये तो कंटिन्यू 4-5 साल से आती है दोस्तों, ठीक है, और यही खाना खाती है, सब कुछ है इसके लिए, इसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, इसको पूरा खाना यही प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है, इसके लिए कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इसको जो भी चाहिए वो इसको जो इसके पसंद है, इसको अभी है कि ये पसंद आता है ख्याल फूड, तो हमने इसके लिए ये फूड का बंदोबस्त भी पूरा किया हुआ है, ठीक है, ये तो इसके लिए मतलब यह है कि एट ए टाइम ये दोस्तों इसके बच्चे के लिए और इसके लिए दोनों एट ए टाइम फुल मिलता है, भरा हुआ मिलेगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि भरा ना हो, ठीक है, ये अपना खाती है जो बचता है, इस बात को हम इसको बर्तन और को धो धा के सही तरीके से इसको ठीक करके, ठीक है, अभी इसमें दूध भरा हुआ था तो अभी इसका तो बच्चा वही पी गया, कुछ दूध इसने पी लिया अभी, ठीक है, और अभी ये खुद भी खा रहा है, ठीक है, माँ स्ट्रॉन्ग कह जाती कहीं लेकिन आती जरूर यहाँ यार दोस्तों, ये भी विश्वास होता है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है यार, ठीक है, ये देखो आराम से खाएगी, पता नहीं इसका ये फूड का इसको इतना शौक है ना, ये पूरा पेट जब इससे भरेगा तब जाके इसमें अटैक करेगी दूध में, तकरीबन 100% इसी को खाती है दोस्तों, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसको पसंद करती है, उसके बाद जैसे उसे पेट भरेगा तो अभी दूध में आई है, ठीक है, जैसे अभी दूध ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, अभी एक चक्कर और मारेंगे बाद में, तो अभी इसका जो है मिसेज हो चाहे मैं हो कोई भी हम होगा तो ये बर्तन को धो के, ठीक है, इसको दोबारा वाश आउट करके उनको करके, ठीक है, एक ये है तो नवरात्र चल रहे थे दोस्तों, ये नवरात्र के मेरे भी 9 दिन के बर्तन चले हुए हैं, तो 9 दिन तक मैं दोस्तों मेरा आज से नहीं बहुत इंडियन आर्मी से शुरू से नाता रहा है कि मैं कभी भी ना 9 दिन तक साले सिर्फ पानी पीता हूँ, उसके अलावा कोई खाना अन्न वगैरह कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है, तो ये देवी को माता को भोग लगाने के लिए पूरियाँ वगैरह बनती है, बाकी बच्चे लोग भी खाते हैं, तो ये जो है पूरी इसके लिए भी रखी थी, पूरी खाती है ये भी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं पूरी खाती है, देते नहीं है ये, बस ये जो नवरात्र में भोग लगता है तो उसके लिए रखा हुआ है, ठीक है, इस बॉल में तकरीबन पानी रखते हैं है नहीं, तो बस ये है देखो आराम से खाएगी, मस्त होकर अपना वो करेगी, ठीक है दोस्तों, तो हमारी एक प्यारी बिल्ली ये है, भले ही हमारे पास नहीं रहती है लेकिन दिल के हमारे पूरे करीब है, ठीक है, पूरे दिल के हमारे करीब है, बच्चा है 4-5 साल से कंटिन्यू आती है दोस्तों, ठीक है, तो हमने इसको कभी कमज़ोर नहीं होने दिया अपनी जिंदगी को, बिल्कुल खा पी के अपना मस्त होकर पूरा इंजॉय करके जाती है, ठीक है, और हल्का सा जब बाइट करती है ना पैरों को हल्के से दबाती है और प्रेस नहीं डालती है दांतों का, जैसे पकड़ेगी पैर पकड़ लेगी लेकिन प्रेस नहीं करेगी, हाथ पकड़ेगी जैसे मैं यहाँ रखूँगा हाथ पकड़ेगी तो हाथ में भी झट्टा मारेगी लेकिन दबाएगी नहीं दोस्तों, ये इतनी अक्ल होती है यार, ठीक है, और बाकी डॉग को वगैरह वगैरह 2 डॉग है, स्टे डॉग आपको पता ही है दोस्तों, पहली बार बताता हूँ, बोर मत होना, ठीक है, सिर्फ मैसेज देने के लिए मैं ये वीडियो डालता हूँ दोस्तों, मेरा ऐसा बंदा हूँ दोस्तों कि मुझे सब्सक्राइब और वगैरह इस चीज़ से मतलब नहीं है, इस चीज़ में मुझे टीम पर सबमिट करके मत रखना, मेरा काम सिर्फ माना था कि सेवा को करना और लोगों को मैसेज पहुँचाना, मेरे इससे मतलब नहीं है कि मेरे इतने सब्सक्राइब फॉलोवर हो गए, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं दोस्तों, सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है, मेरा इससे कोई ऐसा कुछ नहीं है, बस ये चाहता हूँ कि मेरा मैसेज दूसरों का पॉजिटिव हो जाए कि हमें यार बेजुबा के दर्द को, ठीक है, समझना है उसकी तकलीफ से ना, उनको अपनी टीम अपने परिवार का हिस्सा मान के उनको साथ लेके चलना है दोस्तों, ठीक है, तो एक स्ट्रे डॉग है जिसको मैंने गोद ले लिया फिलहाल, अभी 2-2.5 महीने हो गए, वो मैंने पहले बताया ही था, तो एक जर्मन शेफर्ड मेरे पास ऑलरेडी पहले से है, तो 2 डॉग मेरे पास हो गए दोस्तों, ठीक है, और ये ऑलरेडी बिल्ली आती है भाई, बाहर जो होता है वो जो करना है जो स्ट्रे डॉग के लिए, स्ट्रे डॉग उनके लिए दोस्तों कंटिन्यू कार्रवाई चलती रहती है, ठीक है, ये ऊपर वाले का कर्म है, माँ बाप का आशीर्वाद है, ठीक है, और आप लोगों का सपोर्ट है, सिर्फ आप प्लीज़ मेहरबानी करके ना, बस मैं कहता हूँ कि अगर एक बंदा भी इसमें जुड़ गया तो मैं इसमें सफल अपने को मानता हूँ, ठीक है, बाकी सब्सक्राइब वगैरह इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, इसको सीरियसली मत लेना, अगर क्लिप देखते हो तो पूरा डीपली देखा करो, उसके बाद गुड बाय कर दो, वो टेंशन वाली बात नहीं है, जय वंदे मातरम, भारत माता की जय।